नकली खाद के कारोबारी अमर कृषि केंद्र के संचालकों से हुई पूछताछ के बाद पुलिस ने एक दर्जन से अधिक कृषि केंद्रों को चिन्हित किया है। प्राथमिक जांच में कारखाना से निकलकर किसानों तक खाद और कीटनाशक पहुंचाने के लिए कृषि केंद्र संचालकों का गठजोड़ होने की भी बात सामने आ रही है। किसानों से लंबे समय से की जा रही धोखाधड़ी में अब तक नकली खाद कारोबारियों ने जबलपुर से नरसिंहपुर सिवनी में करोड़ों का माल बेचा है। इस पूरे मामले में सबसे बड़ी बात यह सामने आई है कि बाजार में हजारों बोरी नकली खाद और कीटनाशक बेधड़क बिकता रहा, लेकिन किसी भी जिम्मेदार अधिकारी ने उसके मानक होने की कभी जांच नहीं की। खाद की बोरी का लेवल और कीटनाशक की बोतल पर चिपके स्टिकर को देखकर ही प्राथमिकता तय कर ली जाती थी, जबकि नियमानुसार कृषि केंद्र में रखे प्रोडक्ट का हर सीजन में लैब का परीक्षण होना अनिवार्य है। जो नकली खाद और नकली केमिकल वगैरह से संबंधित जो फैक्ट्री हुई थी उसकी परसों छापामारी करवाई हुई थी और उसमें बड़ी संख्या में नकली खाद बनाने के लिए जो है मार्बल का चूरा, काले पत्थर के चूरे, नमक और ये सब चीज़ें मिली थी, सल्फर, पुरानी सल्फर वगैरह, और साथ में केमिकल्स भी, विभिन्न प्रकार के केमिकल्स मिले थे जो अनऑथराइज केमिकल्स हैं जिनसे कि कीटनाशक बनाने का प्रयास किया जा रहा था। बॉटल्स भी मिली हैं, कुछ रैपर्स भी मिले हैं जो बड़ी कंपनी नामी कंपनी की थे। पूरा प्रक्रिया जो है वो इलीगल गतिविधियों की थी, इसलिए उसके तार जोड़े जा रहे हैं। साथ साथ में कल जो है कृषि विभाग और अन्य जो संबद्ध विभाग है उन्होंने उसकी पूरी सैंपलिंग की है और उनकी जांच जो है वो लैब्स में भेज रहे हैं। साथ साथ में इसमें लेबर, क्योंकि वहाँ लेबर लगी हुई थी तो लेबर विभाग को भी इन्वॉल्व किया है कि क्योंकि लेबर एक्ट का उल्लंघन वहाँ पर हो रहा था। साथ साथ में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी सूचना दी है, वो भी अपने स्तर पर वहाँ जाँच कर रहे हैं क्योंकि केमिकल्स वगैरह जो थे वो उससे प्रदूषण की बिना अनुमति की संभावना प्रतीत हो रही थी, तो वो वाली भी चीज़ें हैं। ये सब चीज़ें लिंक्स किए जा रहे हैं। साथ साथ में जहाँ जहाँ के बिल्स या कुछ स्लिप्स वगैरह मिली हैं वहाँ पर जिन लोकेशंस पे, उनको तीन लोकेशंस यहाँ जिले की थी तो उन तीनों को भी दुकानों को सील किया गया। कुछ ने वहाँ स्थानीय पुलिस के साथ दबिश थी, उसके उपरांत एग्रीकल्चर की टीम और रेवेन्यू की टीम भी ने भी आकर के वहाँ पे कार्रवाई की, जिसमें कि भारी मात्रा में अवैध रूप से वहाँ इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फंजीसाइड एवं अन्य तरह तरह के केमिकल जो है बनाए जा रहे थे और जो कि भारी मात्रा में वहाँ 500 से 1000 के करीब तो वहाँ नमक की बोरियाँ, फिर कोल्ड डस्ट, मार्बल डस्ट, इसके अलावा अन्य सामग्री भी थी जिससे कि उनको अवैध रूप से वहाँ उसको बनाया जाता था वहीं पे। इसके अतिरिक्त साथ ही साथ उनको पैक करके बॉटल्स में, पैकेट्स में और ब्रांडेड कंपनियों के नाम से वहाँ पे वो छापे भी जाते थे बोरियों पे, उनके ट्रेड जो उनका जो नाम वो छापा जाता था। ये एक बड़ा कारखाना जो है अवैध रूप से जो फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड बनाने का था वो कल वहाँ पकड़ा गया था। इसमें अभी तक जो मुख्य अभियुक्त हैं वो और उनके संचालक और उनके संचालक के जो भाई हैं उनकी गिरफ्तारी अभी हो गई है। वो उनके जो पांच जो उनके साथ जो उनके लिए काम कर रहे थे उनको भी अरेस्ट कर लिया गया है और अभी उनसे अभी पूछताछ जारी है कि ये वो और कहां कहां इसको आगे इसको बेचते थे। अभी सूचना ये आई कि 10 से 12 जिलों में वो अपना ये अवैध रूप से जो है इसका जो है परिवहन करा करके उसको वहां बेचते थे। सर लगभग इसकी कितनी आय होगी, मतलब कितना पैसे की ये इन्वेस्टमेंट होगा और कितना आगे तक का ये जाल फैला हुआ है? अभी तो इसमें बड़ा जाल ऐसा प्रतीत हो रहा है, वह लाखों का इन्वेस्टमेंट ऐसा प्रतीत हो रहा है अभी इसमें।